हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। और नर्वस सिस्टम की लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था कि नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा था अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बता दिया था जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसे भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसे भी डिवाइड किया गया है। इतना क्लियर था। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो फर्स्ट नर्वस सिस्टम में फर्स्ट जो पार्ट है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो अपना फर्स्ट क्या है भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? तो हम लोग जानते हैं मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं। कौन कौन? मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। मस्तिष्क मेरुरज्जु वे उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं किसका निर्माण करती है भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे फर्स्ट मस्तिष्क की। फर्स्ट अपना क्या है भाई? मस्तिष्क। तो अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क जो होता है वो शरीर का एक केंद्रीय अंग होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो मस्तिष्क होता है उसी के द्वारा हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो शरीर की जो सभी क्रियाएं होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मस्तिष्क के ऊपर। क्योंकि अगर ये एक्टिव है तो ही ह्यूमन जो होते हैं वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्या होता है? सही रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कई बार मस्तिष्क में प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपोथैलेमस पार्ट में या फिर कोई भी पार्ट में क्या हो जाती है, कमी या प्रॉब्लम हो जाती है, तो व्यक्ति जो होता है उसका शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों ही क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो जो मस्तिष्क होता है मुख्य केंद्रीय अंग होता है, ठीक है? इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? सूचना विनिमय, आदेश व शारीरिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण। क्या करेगा भाई? जैसे सूचनाओं का विनिमय, कि भाई सूचनाओं को क्या कर रहा है, एक स्थान से एक अंग से दूसरे अंगों में क्या कर रहा है? स्थानांतरित कर रहा है। उसके लिए आदेश, मतलब कोई जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनको आदेश देता है कि हमें ये जो कार्य करा उसको फॉलो करवाने का जो कार्य करता है वो किसके द्वारा किया रहता है? मस्तिष्क पार्ट के द्वारा। इसके साथ ही साथ विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं मस्तिष्क, मतलब जो विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं उसका भी नियंत्रण किसके द्वारा होता है भाई? मस्तिष्क के द्वारा होता है। क्लियर है? अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की, तो जो मानव का जो ब्रेन होता है वो एक जटिल अंग होता है। कैसा अंग होता है? जटिल अंग। इसके साथ अगर हम एक बात और करें, जैसे बोलना, चलना, खाना, पीना और भी जो संवेदनाएं होती हैं वो भी किसके द्वारा? ग्रंथ मानव मस्तिष्क के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। क्लियर है? तो मस्तिष्क कैसा अंग है? एक जटिल अंग है। कैसा अंग है भाई? एक जटिल अंग है। इसका जो वजन होता है वो होता है लगभग 1.5 किलो, 1.5 किलोग्राम। हम लोग यहाँ पे मानव मस्तिष्क का चित्र देख सकते हैं। तो जो मानव मस्तिष्क है वो हम लोग जानते हैं कितने भागों में डिवाइड होता है भाई? तीन भागों में। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो हम लोग देखें अगर डायग्राम में, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ब्रेन का वो कौन सा कहलाता है? प्रमस्तिष्क। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? अनुमस्तिष्क वाला जो भाग होता है, ये इस प्रकार से ब्रेन के नीचे की साइड में एक जो पोर्शन पाया जाता है उसे क्या कहा जा रहा है? अनुमस्तिष्क। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कंप्लीट जो सिस्टम होता है मानव का है, ब्रेन का, वो मेरुरज्जु के साथ क्या होता है भाई? जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? अगर हम बात करें, इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहा जाता है मैंडुला ओब्लॉंगेटा। गेटा क्या कहा जा रहा है भाई? मैंडुला ओब्लॉंगेटा। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, शरीर की जो हम लोग जानते हैं कि ये ग्रंथियों के द्वारा भी क्या करता है? नियंत्रण। और
यहाँ पर एक ग्रंथि जुड़ी हुई होती है, इस ग्रंथि को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। क्या कहा जाता है भाई? पीयूष ग्रंथि। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, ये सभी क्रियाओं पर क्या करती है? कंट्रोल करती है। ये सभी क्रियाओं पर क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इस ग्रंथि को हम लोग बोल सकते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है भाई? मास्टर ग्लैंड। क्या कहलाती है शरीर की? पीयूष ग्लैंड। इसके साथ ही जो खाने पीने की, या हमें भूख नहीं लगना, हमें प्यास नहीं लगना, ये विभिन्न जो क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मस्तिष्क में एक पार्ट पाया जाता है थैलेमस या हाइपोथैलेमस जो भाग होता है, इसके द्वारा ये सभी क्रियाएं, जैसे चलना, खाना पीना, भूख नहीं लगना। तो हम लोग बोलते हैं कि कई बार भूख नहीं लग रही, या हमें प्यास नहीं लगती, या व्यक्ति को पता नहीं लग रहा कि मुझे भूख नहीं लग रही या प्यास नहीं लग रही, तो ठीक है, वो सब क्रियाएं जो होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? हाइपोथैलेमस पार्ट के द्वारा। मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। तो ये हम लोगों ने क्या समझ लिया इसकी स्ट्रक्चर के बारे में? कैसा अंग है? जटिल अंग है। कितना वेट होता है इसका? 1.5 किलोग्राम। यह जो अंग होता है वो सुरक्षित रहता है खोपड़ी के द्वारा। किसके द्वारा सुरक्षित रहता है भाई? खोपड़ी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मस्तिष्क के आवरण के बीच में, किसके बात बात करें भाई? मस्तिष्क के आवरण मतलब खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच में एक खांच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक खांच पाई जाती है जिसमें एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। इस द्रव को कहा जाता है मेरु रज्जु द्रव। क्या कहा जाता है भाई? मेरु रज्जु द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मस्तिष्क जो होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? तीन भागों से। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, पश्च मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अब हम बात करेंगे मस्तिष्क के पार्ट की। तो फर्स्ट क्या है अपना? मस्तिष्क के भाग कौन कौन से भाई? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम बात करेंगे किसकी? अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क जो भाग होता है वह प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? प्रमस्तिष्क प्लस, अगर हम बात करें थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अगर आप बात करें प्रमस्तिष्क का, तो प्रमस्तिष्क जो होता है मानव मस्तिष्क की बात, हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? मानव के मस्तिष्क की। तो प्रमस्तिष्क जो भाग होता है मानव मस्तिष्क का 82-85% जो भाग बनाता है वो कौन बनाता है भाई? प्रमस्तिष्क। क्लियर है? यह जो भाग होता है इसमें ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का जो कार्य होता है वो कहाँ संपादित होता है? प्रमस्तिष्क में। कहाँ होता है? सोचने, चेतना, समझने का जो कार्य होता है वो कहाँ पर होता है भाई? प्रमस्तिष्क में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यह जो भाग होता है इसको एक विदर या एक खांच पाई जाती है जिस जो इसे दो भागों में बांटती है। किसको? प्रमस्तिष्क को। मतलब प्रमस्तिष्क को में एक खांच पाई जाती है जो इसे दो भागों में डिवाइड करती है, जिसे हम बोलते हैं एक उत्तरी गोलार्ध और सेकंड होता है दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध। और जो सेकंड जो पार्ट होता है वो कहलाएगा दायां गोलार्ध, या हम लोग बोल सकते हैं बायां गोलार्ध और दायें गोलार्ध में क्या करता है? डिवाइड। सॉरी, इसे हम बोलेंगे बाएं गोलार्ध और दायें गोलार्ध में क्या करता है? डिवाइड। इतना क्लियर है? बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या पाई जाती है प्रमस्तिष्क के मध्य में? एक खांच। प्रमस्तिष्क के मध्य क्या पाई जा रही है? एक खांच। ये खांच क्या कर रही है? इसे दाएं व बाएं दो गोलार्धों में डिवाइड, बाएं व दूसरा कौन सा है? दाएं गोलार्धों में क्या कर रही है भाई? विभक्त। क्लियर है?
नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो प्रत्येक गोलार्ध होता है उसमें धूसर द्रव पाया जाता है। इन दोनों गोलार्ध में क्या पाया जाता है? धूसर द्रव। ठीक है, जो धूसर द्रव होता है वो इसके कोर्टेक्स भाग का निर्माण करता है, या इस द्रव को हम लोग बोल सकते हैं कोर्टेक्स। क्लियर है इतनी बात? तो ये इसमें क्या पाया जाता है? धूसर द्रव्य होता है, इसे क्या कह रहे हैं? कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, इसके अंदर वाइट कलर का द्रव्य पाया जाता है। यह जो होता है, यह वाइट मैटर या वाइट मैटर का बना हुआ जो भाग होता है, दोनों गोलार्ध के बीच में क्या पाया जा रहा है? दोनों गोलार्ध मिलकर किस क्या पाया जा रहा है? दूसरे द्रव्य, या दूसरे द्रव्य का जैसा एक संरचना बनती है जिसे क्या कहा जा रहा है? कॉर्टेक्स। अंदर की ओर एक श्वेत द्रव्य या सफेद द्रव्य से मिलकर भाग बना हुआ होता है, इस भाग को कहा जाता है मेडुला। दूसरा द्रव्य वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। और श्वेत द्रव्य वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? मेडुला। ठीक है, दूसरा द्रव में जो होता है वो अनेक तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब अगर हम बात करें कोर्टेक्स पार्ट में कैसी कोशिकाएं, ग्रे कलर की अनेक सेल पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो किस कलर का दिखाई देता है भाई? ग्रे कलर का दिखाई देता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो दोनों गोलार्ध होते हैं, कौन कौन सा? दाया गोलार्ध और बाया गोलार्ध आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं भाई? दोनों गोलार्ध। अब सिंपल सी बात है, अगर ये जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पोर्शन पाया जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा? पहचानेंगे कैसे कि ये बाया गोलार्ध है या ये दाया गोलार्ध है? तो ये जो दोनों गोलार्ध होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं कैल्शियम कैलोसम की पट्टी के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं भाई? ये जो दोनों गोलार्ध होते हैं कार्पस कैलोसम, दाएं व बायां गोलार्ध किससे जुड़े हुए हैं? कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? जो प्रेमस्तिष्क का जो भाग होता है वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है, कौन से भाग के द्वारा? थैलेमस भाग के द्वारा। किसके द्वारा घिरा हुआ होता है भाई? थैलेमस भाग के द्वारा घिरा होता है। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो थैलेमस भाग है वो संवेदों का क्या है? एक केंद्र होता है। संवेदनाओं का क्या है? केंद्र होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा अग्र मस्तिष्क के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में।